बसमकम वरक नाजरीन किराम. आज का हमारा सबक नंबर बारह है जिसमें हम दादे की मौजूदगी में ऐनी और अल्लाती बहन भाइयों की हालतें पढ़ने वाले हैं इन हालतों को शुरू करने से पहले लफ्ज़ मुकासमा की तारीफ़ करना ज़रूरी समझता हूँ लगत में मुकासमा बाब मुफाला से है इसका मतलब है तकसीम करना और इल्मुल इल्मज़ की अतलाह में ऐनी या अल्ला भाई के बराबर शुमार करके बतौर असबा के हिस्सा देना दादे को भी मुकासमा कहलाता है इनकी तीन हालतें हैं इन में से पहली हालत है मुकासमा या सुलुस जो इन में से बेहतर होगा वो दादे को दिया जाएगा लेकिन ये किस सूरत में होगा जब दादा के हमरा सिर्फ़ ऐनी भाई या बहन या अल्लाती भाई या बहन मौजूद हो तो उस वक्त दादे के लिए जो बेहतर सूरत होगी उसको इख्तियार किया जाएगा नंबर दो मुकासमा दादे के लिए बेहतर होगा अगर दादे के हमरा एक एनी भाई या दो बहने या एक अल्लाती भाई या दो अल्लाती बहनें हूँ तो उस वक्त मुकासमा की सूरत को इख्तियार करके दादे को मुकासमा की सूरत दी जाएगी नंबर तीन सुलुस बेहतर होगी दादे के लिए अगर दादा के साथ साथ तीन एनी भाई या छी बहनें हों उस वक्त सुलुस बेहतर होगी क्योंकि अगर हम सुलुस को इख्तियार नहीं करते तो दादे को एक बड़ा चार मिलता है लिहाजा एक बड़ा तीन से मसला बनाकर, एक बड़ा तीन का हकदार दादे को ठहराया जाएगा आज के सबक़ में हमने दादे की मौजूदगी में ऐनी और अल्लाती बहन भाइयों की हालतें पड़ी हैं आइंदा इन सबक में हम जो है अखियाफी बहन भाइयों की हालतें पढ़ेंगे और तबारको ताली हमें इन चीज़ों को समझने की तोफ़ी का तफ़ा